हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं गोरखपुर से दिल्ली तक का सफ़र, वो भी जनरल कोच में। तो इस सफ़र में मेरे साथ रहने वाले हैं मेरे दो भाई अजय और साहिल। वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जनरल कोच कैसा होता है और कैसा रहता है जनरल कोच का सफ़र। हमारे सफ़र में एक चीज़ सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, वो है ये भारी बोरा। हाय, सबसे मेहनत वाला काम। दोस्तों, हमारी ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठे नहीं हैं, खड़े हो चुके हैं। बदकिस्मती से इस बार हमें एक भी सीट नहीं मिली और आप देख सकते हैं ट्रेन का कंडीशन उतना भी बुरा नहीं है, फिलहाल ठीक ही है। पर हो सकता है आगे चल के ट्रेन का कंडीशन और बुरा हो जाए, क्योंकि अगला स्टॉप खलीलाबाद होने वाला है जहाँ पे कुछ और यात्रीगण चढ़ेंगे। और ये रहा मेरा छोटा भाई नीचे, जो बोरा टांग के ला रहा था उसी पे बैठ चुका है। और यहाँ पे साहिल बड़े जुल्फ वाला। चल भैया, भैया डल डल वालों, क्या नहीं पाने हो, डल पाने हो, डल बनना भैया। जनरल का हाल बहुत बुरा है, मुझे अपने बैग के ऊपर बैठना पड़ रहा है। भाई इतना तगड़ा भीड़ है यहाँ पे। हेलो, सवेरे हो इधर कोई नहीं। हेलो, ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी लो। हेलो, चलो चलो, कहाँ जाना आराम से, जब से ट्रेन चल रहा है न बाबू, तोरे चाबी बा रही कहो तब रही बने लगे रखबो। एक बात बताओ, महीना की है कि कमाओ खाओ, 10 रुपया बचे। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन और काफ़ी धमाकेदार रहा हमारा ट्रेन का जर्नी, पूरा हालत पंचर हो गया। जनरल डिब्बे में कभी भी सफ़र ना करें, ये हमारी सलाह है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जनरल डिब्बे का। अगर आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जनरल डिब्बे को, तो गोरखधाम सबसे बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।